टिहरी जिले में कोविड वैक्सीनेशन अभियान में अब तेजी आ गई है और जिला अस्पताल बौराड़ी में भी 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे जिला पंचायत वैक्सीनेशन केंद्र में लोड कम हुआ है। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की समस्या को देखते हुए भी अब वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 38 कर दी गई है। जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है और अब जिला अस्पताल में भी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्थिति हमारे यहाँ बहुत ही सामान्य है क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है और हम दोनों वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 18 से 45 साल की वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, 45 साल ऊपर की भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। गुरुवार को हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच को लेकर हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर घड़ा लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के करीब 1.5 दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने बताया कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठा रहा है, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। आज हमने पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जो कुंभ में कोरोना के दौरान जांच में घोटाला हुआ है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का काम भाजपा सरकार ने किया है। हमने तीरथ सिंह रावत से आज जो है इस्तीफा मांगा और उसी परिप्रेक्ष्य में आज लोकल विधायक हमारे दीवान सिंह बिष्ट जी के कार्यालय पे हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा धरना किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से हमने धरना किया, हमें किसी ने रोक टोक नहीं की। जब हमारा धरना समाप्त हो गया था, हम सड़क पे आ गए थे, उसके बाद जो है कोतवाल साहब आते हैं और वो कहते हैं जी आपके अरेस्टिंग होने, आप पे मुकदमा होना, तो हम तैयार हैं। अगर भाजपा के आदेश ऊपर से हैं पुलिस को कि भाई इनको मुकदमा करो, इन्हें जेल डालो, तो हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, केजरीवाल का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता रहेगा। सूचना मिली थी कि जो इनके द्वारा धरना प्रदर्शन और उसके लिए जो पहले से सूचना दी गई थी वो ना करके इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो जो इनकी शर्तें थी, जो जिसके आधार पर जो कोविड गाइडलाइंस की शर्तें हैं, जो उसका अपना अनुपालन इनके द्वारा किया गया नहीं किया गया, इसमें जांच करेंगे। अगर उसका उल्लंघन पाया जाएगा तो इनके खिलाफ़ हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके नाम वगैरह नोट हमारे द्वारा कर लिए गए हैं और अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कि इनके द्वारा उल्लंघन किया गया तो हम कार्रवाई अमल में ला जाएगी। अभी करीब 15 से 16 लोग थे, सभी के नाम पते एड्रेस वगैरह नोट कर लिए गए हैं और अभी देखते हैं जैसे भी बनेगा उसके इतिहास से आगे की कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा बंद कर दी थी, लेकिन अब कोरोना के मामले कम आने के बाद चारधाम यात्रा फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में बिजली पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुचारू कर दी गई है। इसके अलावा धाम में वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारे जो भी रोड्स हैं वहाँ पे रोड्स थोड़े से दिक्कत वाले रहते हैं, तो वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ मशीनरी और मैन पावर वहाँ पे तैनात किया गया है। साथ में यात्रा को लेकर वहाँ पे क्योंकि टेस्टिंग कंपलसरी होगी तो हम लोगों ने अपने टेस्टिंग बूथ का भी इंतजाम वहाँ पे कर रखा है और वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था भी सुचारू कर दी गई है और सैनिटाइजेशन और इन सब चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और वैक्सीनेशन भी उसी के क्रम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन उस एरिया में करवा रहे हैं जिससे यात्रा शुरू होने के बाद भी कोई भी संक्रमण का खतरा ना रहे लोगों को। जोशीमठ में एक महिला ने एम्बुलेंस में ही नवजात शिशु को जन्म दे दिया। देर रात करीब 1 बजे गोविंद घाट से गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ ले जाया गया। इस दौरान मारवाड़ी के पास महिला ने एम्बुलेंस में ही नवजात शिशु को जन्म दे दिया। माँ और बच्चे दोनों ही सुरक्षित हैं।